भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर स्वच्छता में नंबर वन होने के साथ साथ रिसाइकलिंग में भी नंबर वन है। ऐसे में रिसाइकल कर तैयार हुई इस अनोखी कार को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस अनोखी कार को बनाने में 700 किलो लोहे का कबाड़ और लगभग 400 किलो ऑटोमोबाइल के कबाड़ के पार्ट्स लगे हैं। दरअसल कबाड़ से जुगाड़ बनाने वाले सुंदर गुर्जर अनूठे म्यूरल्स बनाने के नाम से मशहूर हैं। पुराने जमाने में शान की सवारी कही जाने वाली एम्बेसडर कार को यादगार बनाने के लिए सुंदर ने एक ऐसा प्रयोग किया जो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा। सुंदर बताते हैं, एम्बेसडर बनाने के लिए शुरू का एक महीना तो समझने में ही लग गया और फिर 3 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। सर, आपने एक एम्बेसडर कार बनाई है जो कि अब काफ़ी समय बाद देखने को आई है। वैसे तो ऑन रोड देखने को मिलती नहीं, लेकिन एक नया प्रयोग किया आपने, क्या किस तरीके से प्रयोग किया गया है? एक तो एम्बेसडर हमारे प्राउड रहा है हमेशा से देश के लिए, और ये ख़त्म होते जा रही थी तो मैंने सोचा इसको सहेजा जाए। तो काफ़ी समय दिमाग लगाने के बाद मैंने कुछ मटेरियल ऐसे इस्तेमाल करे जो लॉन्ग टाइम तक रन कर पाए, तो इसके लिए अपन ने इसको नट बोल्ट और सारा स्क्रैप से यूज़ करा है। इसमें कितना नट बोल्ट का उपयोग किया गया है लगभग? इसमें मान के चलो नट ही 700 किलो लगा है, उसके अलावा स्क्रैप बाकी का अगर अपन देखें तो 300-400 किलो स्क्रैप इसमें लग चुका है। कितने महीनों की मेहनत के बाद आज ये गाड़ी? ये टोटल अगर माने तो 4 महीने, क्योंकि उसमें से 1 महीना तो हमें प्रोसेस और उन चीज़ों में लगा, बाकी 3 महीना हमारा वर्किंग इस पर। इम्प्रेशन कहाँ से आपको मिला कि कुछ नया इस तरीके से गाड़ी को बनाया? बेसिकली आर्टिस्ट हूँ तो इस तरह के प्रयोग करता रहता हूँ। मैं काफ़ी सारे काम किए हैं मैंने, जैसे झाड़ पे भी बहुत काम किया है मैंने, क्लॉक्स भी बहुत बनाए अलग अलग तरीके के, तो कुछ नया हमेशा करता रहता हूँ मैं। साल भर में एक आधी कोई चीज़ मेरे हाथ से उस तरह की निकल जाती है। सुंदर आगे बताते हैं कि एम्बेसडर विलुप्त हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसे सहेजा जाए। फिर उन्होंने इसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जिससे ये लंबे समय तक काम करे, इसलिए उन्होंने 700 किलो कबाड़ के नट बोल्ट से इसे तैयार किया है। वैसे ये गाड़ी तो रोड पे नहीं चल सकती है, लेकिन ये आप इसको जब कहीं रखने की बात आएगी आर्टिफिशियल ट्रिप पे, तो कहाँ इसको सजो कर रखने की आपकी? अभी मेरी 2-3 जगह इसकी चर्चा चल रही है, तो अभी अपन उसको फाइनल नहीं कर पाएंगे। एक हैदराबाद में भी इवन बात चल रही है, मुंबई में भी कोई है जो रखना चाहते हैं, पर वो जहाँ भी जो भी होता है उस समय के हिसाब से। इस कार को बनाने में कितनी लागत खर्चा आया है? अपना करीब करीब 3 लाख रुपया तो इसमें मेरा जेब का ही लगा है, बाकी का टाइम और वो अलग, लेबर वगैरह जो भी रहती है उसमें। अपन ने मतलब 3 से 4 तरह के एडेजिव यूज़ करे हैं फिलहाल, क्योंकि वेल्डिंग में पॉसिबल नहीं था। जिस तरह का आप देख रहे हो छोटा साइज है, अभी तक के इस तरह के काम वेल्डिंग से होते आए हैं कि कोई भी लोहा कोई भी मेटल है उसको आप वेल्डिंग कर सकते हो। ये अपन ने नया प्रयोग किया था कि इसको पेस्टिंग में यूज़ करें, क्योंकि छोटे नट हैं उसमें वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग उसको मार देगी, तो अपन ने पूरा का पूरा इसको एडेजिव से यूज़ किया है। इसमें कुछ ऐसी खासियत कार की जो स्पेशल इसको बनाती हो? स्पेशल तो एम्बेसडर अपने आप को खुद ही बनाती है। एम्बेसडर का नाम ही इतना बड़ा है कि जो हर आदमी जानता है और बच्चा जानता है, और इसके रखने के पीछे रीज़न भी वही है मेरा कि एम्बेसडर कार मुझे बनानी थी, ये तय कर लिया था मैंने, पर क्या बनानी है ये मैंने कि यार एम्बेसडर से ही शुरू करता हूँ इसको। आपका नाम बता दें? सुंदर गुर्जर, मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ वैसे, इंदौर ललित। NBT ऑनलाइन के लिए इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट।